आज हमने अनूप मंडल के विरुद्ध में शिवाजी ग्रुप के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम सीमा जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। अनूप मंडल पिछले कई वर्षों से जैन समाज और जैन साधु संतों के विरुद्ध में लोगों को गुमराह करके हमें जैन समाज को इस बात के लिए दाई बरता रहे हैं। जो भी प्राकृतिक आपदाएं भारत में आती है, चाहे बाढ़ हो, चाहे अकाल हो, चाहे अतिवृष्टि हो, उसके लिए ये डायरेक्ट जैन समाज पर आरोप लगाते हैं कि जैन समाज काला जादू करके इन प्राकृतिक आपदाओं को आमंत्रित करते हैं। और वर्तमान में कोरोना महामारी जो पूरे विश्व को पूरे विश्व में फैल चुकी है, उसके लिए भी अनूप मंडल के सदस्य जैन समाज को दाई बता रहे हैं और जैन साधु संतों को दाई बता रहे हैं। जबकि सबको मालूम है कि यह कोरोना महामारी चाइना से आई है और जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो प्रकृति की देन होती है। कहीं पर भी जैन समाज इसके लिए उत्तरदायी नहीं है और इनका ये भी आरोप है कि जैन समाज काला जादू जानते हैं। अगर हमें काला जादू जैन समाज को आता तो कब का अनूप मंडल को हम समाप्त कर चुके होते। उसके बावजूद इस प्रकार की ये बातें, मिथ्या बातें करके जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं एवं जो अज्ञानी लोग हैं उन्हें मिसगाइड करते हुए जैन समाज के विरुद्ध में ये लगातार अनगल बातें कर रहे हैं। इसके लिए आज हमने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है कि अनूप मंडल को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। और अभी हाल में इन्होंने हमारे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज साहब की भी उनके पोस्टर जलाए हैं, जिससे जैन समाज और जैन अनुयायियों में भारी रोष है और कभी भी धार्मिक उन्माद फैल सकता है। इसके लिए इन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, ऐसी हमारी मांग है।